एक्ट्रेस पूजा गौर एक बार फिर से प्रतिज्ञा बनकर लौट रही हैं मन की आवाज प्रतिज्ञा के दूसरे सीजन में। शो की शूटिंग प्रयागराज में शुरू हो चुकी है। इस बार भी पूजा और अरहान बेहल की जोड़ी का कमाल ही नजर आने वाला है। आपको बता दें कि पूजा तकरीबन 6 साल बाद टीवी पर वापसी कर रही हैं। ऐसे में लंबे वक्त के बाद टीवी पर वापस जुड़ने पर पूजा खुलकर बोली हैं और कई खुलासे भी किए हैं। जी हां, ई टाइम्स से बातचीत में न सिर्फ उन्होंने प्रतिज्ञा 2 पर काफी कुछ कहा है बल्कि कई बातें शेयर भी की हैं। ऐसे में आइए आपको भी बताते हैं कि पूजा ने 3 खुलासों में क्या कुछ कहा है। पहला खुलासा, अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलने की वजह से बनाई थी टीवी से दूरी। जी हां, ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पूजा ने न सिर्फ ये बताया कि वो टीवी से 6 साल तक दूर क्यों थी बल्कि इस बात का खुलासा भी किया कि इस दौरान उन्होंने टीवी के अलावा और क्या क्या काम किया। पूजा कहती हैं, टेलीविजन से दूर रहने का कॉन्शियस डिसीजन था क्योंकि मुझे उस तरह का काम नहीं मिल रहा था जैसा मैं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए और मैं टीवी पर वापसी तब करूंगी जब मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, जहां मुझे हाँ कहने से पहले सोचने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा प्रतिज्ञा के वक्त हुआ था। पिछले कुछ सालों में कुछ दूसरी चीजें भी हुई हैं जिन्होंने मुझे बिजी रखा। मैंने फिल्म केदारनाथ की थी, OTT शो का हिस्सा बनी थी और कई एड्स भी किए। मैं शॉर्ट फिल्में और शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस ऑनलाइन करती रही हूँ। दूसरा खुलासा, नए सीजन को लेकर खुशी के साथ है काफी टेंशन और नर्वसनेस। वेल, अपने दूसरे खुलासे में पूजा ने प्रतिज्ञा के दूसरे सीजन का हिस्सा बनने पर खुशी तो जाहिर की ही, साथ ही ये भी बताया कि शो का हिस्सा बनकर वो काफी नर्वस भी हैं क्योंकि मेल लीड होने के नाते शो को लेकर उनपे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूजा कहती हैं, मैं एक्साइटेड हूँ और नर्वस हूँ। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा शो था। ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम वापसी कर रहे हैं क्योंकि इन सालों में कई चैनलों पर प्रतिज्ञा को फिर से टेलीकास्ट किया गया है और हमें बहुत सारा प्यार मिला है। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि इतने साल बीत गए। मैं घबराई हुई हूँ क्योंकि एक फेमस शो को वापस लाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसके अलावा एक छोटी सी घबराहट हमेशा होती है जब आप एक नए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं काफी एक्साइटेड भी हूँ। तीसरा खुलासा, लॉकडाउन में मिला शो के दूसरे सीजन का सरप्राइज। वही इंटरव्यू में आगे पूजा ने ये भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान अरहान और वो साथ में काम करने के बारे में बात करते थे और तभी उन्हें इस शो में अरहान के साथ ही वापस काम करने का मौका मिला। पूजा कहती हैं, असल में पिछले कुछ सालों में खासतौर से लॉकडाउन के दौरान जब अरहान और मैंने इस बारे में बात की, शो के दोबारा टेलीकास्ट के बाद शो के पिछले सीजन को मिले अच्छे रिस्पांस को देखकर मैंने और अरहान ने कहा था कि प्रतिज्ञा को वापस लाना चाहिए। बेशक उस वक्त हमने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा और वो भी जल्द होगा, जबकि हम एक छोटी फिल्म की तरह एक साथ कुछ करना चाहते थे। हम कोलैबोरेट करने के बारे में सोच रहे थे और सही कंटेंट ढूंढ रहे थे और फिर अचानक इस शो के आने के बारे में पता चला। आपको बता दें कि शो का नया सीजन कई मायनों में खास होने वाला है। एक तो शो की मेल लीड पुरानी स्टार कास्ट ही है, दूसरा ये भी कि शो नए ट्विस्ट के साथ ऑडियंस के सामने आएगा और खबरों की माने तो ये शो इसी साल मार्च के महीने में टीवी पर दस्तक देने वाला है।